लगातार बढ़ते तेल के दामों ने आम आदमी की जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर डाला है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जनवरी से लेकर अब तक जो है 5 रुपये तेल के दामों में इजाफा हुआ है। इसको देखते हुए जो है देश भर में काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर इस चीज़ का गुस्सा भी है, क्योंकि जिस तरह से रोज़ाना तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और विपक्षी पार्टियाँ भी अब जो है सरकार को घेरने में जुट गई हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं चंडीगढ़ पेट्रोल पंप पे। सर, जिस तरह से रोज़ाना तेल के दामों में इजाफा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, बढ़ ही रहे हैं रेट तो। हाँ, आम बंदे को परेशानी है ना, जिसने डेली दूर से जॉब करनी है। अच्छा, उसको बहुत परेशानी होती है। तो अभी आप कितना डलवा रहे हैं? उतना ही डलवा रहे हैं जितना पहले डलवाते थे? चंडीगढ़ से फुल कराते हैं। हाँ जी, यहाँ का तेल बढ़िया होता है ना, इसलिए एक बार फुल करा लेते हैं। लेकिन परेशानी तो हो रही है ना, हर टाइम तेल बढ़ रहा है। 50 किलोमीटर का अप डाउन है डेली का। हाँ, 1 लीटर रोज का लगता है। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले जिस तरह से एक बार तेल के दाम बढ़ते थे, लेकिन जो अब है धीरे धीरे बढ़ते हैं, इससे पता भी नहीं लगता। अब तो बहुत नुकसान हो रहा है सर, आम बंदे का बहुत औखा है। और लोगों से बात करते हैं, सर जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तेल भी घटना चाहिए, तेल बहुत बढ़ रहा जी, थानू पता ही है, फिर इन्ना खर्चा कितना करता माड़ा बंदा जी। हाँ जी, कुछ और भी लोग हैं, युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, जिस तरह से तेल के दामों में इजाफा हो रहा है रोजाना, क्या कहना चाहेंगे आप? बुरा लगता है। बस अच्छा, तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने बताया कि तेल के दामों से इनकी जेब पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ मैं अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर टीवी, चंडीगढ़।